वेलकम बैक टू ऑल डिटेल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 2027 के इस कार्ड के बारे में जो मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसमें क्या है, इसमें जो सिग्नल आईसी लग के आया हुआ है वो है 5815, जिसे सब 2028 का समझ के गलत तरीके से इसको रिपेयर कर रहे हैं। तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखिए ध्यान से देखिए, ये दिखने में कार्ड सेम है पर इसका जो सिग्नल आईसी का सर्किट है वो पूरा अपना 5815 है। देखो मैं पूरा दूसरे कार्ड से भी कॉपी करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें सिग्नल आईसी को ध्यान से देखिए, इसके अंदर चारों तरफ से चार चार पिन है। देखिए जो 2027 होता है उसमें 2027 सिग्नल आईसी का सर्किट होता है, उसमें चारों तरफ से चार चार पिन होती है सिग्नल आईसी की। देखिए इसमें चारों तरफ से चार चार, मतलब 16 पिन पूरी हैं। अब इस वाले को दिखा देता हूँ। इसमें देखिए, इसमें 5 पिन हैं चारों तरफ से, 5 5 मतलब टोटल 20 पिन। जो ये आईसी है ये है 5815 सिग्नल आईसी। तो इसके बारे में ही आपको बताएंगे कि इसमें क्या है क्या नहीं है। इसमें ज़्यादातर जो फॉल्ट आते हैं, जैसे मेमोरी के ऊपर वोल्टेज ना आना या डायरेक्ट 0 से 3 डायरेक्ट शिफ्ट कर जाना, ये सिग्नल आईसी की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम फॉल्ट आता है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर ये सर्किट हमारा अलग है, बाकी वोल्टेज हमारी पूरी सेम आएगी। यहाँ 3 आ रही है हमारी कॉइल पे। इसमें जब ये आता है, जब मेमोरी पे आप अपनी वोल्टेज चेक करते हो, अगर वो 0 पे आए या 0 से 3 तेज़ी से शिफ्ट हो जाए तो उस टाइम में हमारी सिग्नल आईसी ख़राब होती है। अब इसमें हम क्रिस्टल पे पिन नापते हैं, हमारी क्रिस्टल पे कोई वोल्टेज नहीं है। ये बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है सिग्नल आईसी, और इसी फॉल्ट के चक्कर में हमारे भाई आईसी और रैम बदलते रह जाते हैं पर उनका फॉल्ट निकलता नहीं है। तो मैं अब इसमें सिग्नल आईसी चेंज करके दिखाऊंगा आपको। ये सिग्नल आईसी मैंने निकाल ली है, अब इसको चेंज करेंगे। और इस सिग्नल आईसी को लगाते में थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि ये वाली सिग्नल आईसी ठीक से लग नहीं पाती है एक बार में। 2028 लग जाती है पर 5815 एक बार में लग नहीं पाती है, तो इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखें। एक बार में कभी ठीक से बैठ ही नहीं पाती सिग्नल आईसी, तो इसका अच्छे से ध्यान रखें बस। इसके 20 पिन पूरी की पूरी A to Z बैठनी चाहिए, उसके बाद ही ये हमारे काम कर पाती है अच्छे से। तो हमने इसमें लगा दिया है। तो ये सिग्नल आईसी मैंने इसमें लगा दिया। मैं आपको इसे चेक करके दिखाता हूँ एक बार, पिन देख लेते हैं अपने पास से, देख लेते हैं थोड़ा सा ताकि कोई पिन रह ना जाए। अब इसे मैं आपको जिक पर लगा के चेक करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, अब ये सिग्नल आई थी, अब इसको जिक पर लगा देते हैं और चेक करते हैं कि ऑन हुआ या नहीं हुआ। तो देखिए हमारा ये कार्ड ऑन हो चुका है, पैनल पर डिस्प्ले आ चुका है। अब एक बार इसको अच्छे से चेक कर लेते हैं ऑडियो वीडियो लगा के, सिग्नल हमारे प्रॉपर आए नहीं आए। और एक फॉल्ट और मैं आपको एक नया बता देता हूँ इसके ऊपर। जैसे देखिए अभी इसमें कोई चैनल नहीं है, और अब हम इसको ऑटो सर्च मारते हैं तो ये जो कार्ड है ये चैनल सर्च नहीं करेगा। अब ऐसा क्यों है वो मैं बताता हूँ। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जितने भी हमारे भाई हैं, जैसे नए भाई हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता है कि ये 2028 या 5815 का इस बारे में कोई फ़र्क नहीं है पता। तो वो 2028 के कार्ड से कार्ड टू कार्ड जो कॉपी करते हैं या सॉफ्टवेयर करते हैं, तो वो इसके अंदर 2028 का कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका ट्यूनर आईसी का जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें से ट्यूनर चेंज हो जाता है और सिग्नल नहीं आता है। अब ये देखिए, इसने पूरा बाहर निकल चुका है पर इसने कोई चैनल सर्च नहीं किया है हमारा। तो ये इसमें सॉफ्टवेयर भी गड़बड़ है। ये देखिए किसी इसमें 2028 का सॉफ्टवेयर किसी भाई ने डाल दिया है, बेदियानी में डाल दिया बिना चेक कर ट्यूनर चेक किए। अब मैं इसमें सॉफ्टवेयर कर लेता हूँ एक बार।
इस कार्ड में बहुत ज़्यादा ये कमी है कि ये सेम दिखने की वजह से हमारे भाई 20-28 में 20-28 से कार्ड टू कार्ड कॉपी कर देते हैं और कार्ड के सिग्नल गायब हो जाते हैं। इस कार्ड में फिर सिग्नल नहीं आता है और ऐसी कंडीशन में हमारे भाई इस वाले कार्ड में आईसी बदलते रह जाते हैं या सिग्नल आईसी पर उनका आता नहीं, सिग्नल नहीं आ पाता है। तो ये जो होता है, ये होता है हमारा सॉफ्टवेयर की वजह से। अब मैं आपको सॉफ्टवेयर करके दिखा देता हूँ। ये हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो चुका है। अब ये देखिए हमारा इस पर ऑन भी आ चुका है। अब मैं आपको टीवी पे दिखा देता हूँ। तो मैंने सारे वायर लगा दिए, मैं आपको टीवी पे दिखा देता हूँ। तो ये देखिए हमारा ये सिग्नल भी आ चुके हैं और चैनल भी इसमें डल चुके हैं। ये सॉफ्टवेयर की वजह से इसमें सिग्नल और नहीं आ पा रहे थे कार्ड के अंदर। तो ये इस कार्ड का ज़्यादातर यही फॉल्ट आता है, सिग्नल आईसी और सिग्नल का ही फॉल्ट ज़्यादा है, जिसकी वजह से सब परेशान है। और कोई इसके अंदर और फॉल्ट ज़्यादातर आता नहीं है। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को